शहर कहाँ चले बाब? कहाँ बड़ा हानी सिंह मॉडल है भैया, 12 साल के लड़के। कैमरा चालू बना? हाँ भाई कैमरा चालू बा। अरे देखा था ए बिना। ओ हो चाचा कहाँ दे? पर ये लोग बोल रहे हैं भैया हम टायर क्लेम नहीं करेंगे। Hey guys, welcome back to the channel. एक बार फिर से नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टुवर्ड्स जौनपुर। आई हैव सम वर्क एंड मोटर ब्लॉगिंग सेटअप, तो गोइंग टुवर्ड्स मोटर ब्लॉगिंग मूड। एंड बाकी घर के आसपास सभी है उर्दी से, जो खेत से जो उर्दी के पौधे लाए गए हैं वो फैलाया गया है जिससे धूप लगे और खा सब पक जाए। सब लोग दम बढ़िया हैं। ब्लॉग में जो प्यार दिखाई दे रहा है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें आप सब लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। व्यूज़ तो जा रहे हैं फिर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अभी यार मुझे थोड़ा गले में खराश हो रही है, मुझे लगता है मुझे जुकाम होने वाला है, तो देखते हैं जैसा भी रहता है। बाकी चलते हैं जौनपुर और मोटर ब्लॉगिंग मूड में आपसे मिलते सीधा। हम और पंकज निकल चुके हैं, मतलब मैं और पंकज, हम की आदत जान ही रही। सो घर से निकल चुके हैं, बाकी इसका ये कांच घूम रहा है पता नहीं क्यों। हाँ अभी सही हो गया, तो इतना स्पीड पे कर। अरे यार इका दिखा पड़े महाराज जी, बिना कांच के मजा नहीं। चला तो अभी का सीन कुछ इस प्रकार का है कि हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं, बाकी गाड़ी चलने में सही चल रही है। इसका टायर एक्चुअली पीछे वाला जो रियर टायर है वो उस पर क्रैक आ गए, क्योंकि अभी गाड़ी वारंटी में है तो इसको दिखवा देते हैं एक बार चल के। तो कल एजेंसी पे गया था सर्विस सेंटर पे, तो दिखाया उसने, तो उन्होंने कहा कि आप जौनपुर जाइए, वहाँ पे MRF के टायर में, तो वहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग। बाकी बाइक का एंगल कैसा आ रहा है कैमरे का ये तो मुझे नहीं पता, आप तो वीडियो एडिटिंग करते पता चलेगा। सो जैसा भी है आप बने रहें, और हम सीधा आपसे हाईवे पे पहुंच के फिर मिलते हैं। सो भाई लोग घड़ी अपने हाथ में आ गई है, अभी इसको सेटअप नहीं किया क्योंकि मेरा है नहीं ना, मैं फ्रेंड के लिए ऑनलाइन किया था, उसने बोला कर दे भाई, सो ले लिए हैं। बाकी पंकज भैया अपने पीछे बैठे हुए हैं, फटाफट निकलते हैं जौनपुर, बाकी गाय का काम ख़त्म करवाते हैं, और आप बने रहें ऐसे वीडियो को एंजॉय करते रहें मज़े लेते रहें। बाकी अपनी एक राइड शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द, तो इसी वजह से सभी प्रिपरेशन चल रही हैं गाड़ियों की, फटाफट किए जा रहे हैं जो भी है। और मेरे दोनों हाथों में घड़ी कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी ये मैंने धोनी जी ने प्रचार किया था तो इस वजह से ये वाली मुझे अच्छी लगी, और तो ऐसा कट करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे बड़ी गाड़ियों में, बिकॉज अब इसके टायर मोटे हैं तो स्लिप नहीं करता है, नहीं तो पतले टायर में अगर ये सब 100 cc की बाइक्स का करेंगे ना तो आप तुरंत गिरेंगे मुँह के फल, और आपके ना जाने कितने टुकड़े होंगे। तो इस वजह से कीप सेफ ड्राइव। सो हम तो बहुत पुराने खिलाड़ी हो गए हैं, बट फिर भी हम देख के बहुत ही संभल के चलाते हैं बाइक। सो आप अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ वेयर योर हेलमेट, राइडिंग जैकेट्स, गियर वगैरह, फिर उसके बाद आप जाके चलाएं। बाकी सब लोग हमें, मुझे और पंकज को ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार देखा, क्योंकि दोनों जन ने हेलमेट लगाया है और बढ़िया से चला गाड़ी, इस वजह से सब घूर घूर के देख रहे हैं, पलट पलट के देख रहे हैं, तो ये रिएक्शन हमें बहुत ही खुशी देती है, तो हम खुशी के पात्र, हंसी के पात्र बन रहे हैं या सब हमसे खुश हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो पहले इसका हम ये वाइज़र टाइट कराते हैं, सॉरी ओवर बीम टाइट कराते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। हाँ भाई कैमरा चालू बा। है यार टाइट करा, वीडियो बना दो। हाँ वीडियो बना दो। हाँ पूर बाजार का हमारा 1.25 घंटा रिकॉर्डिंग करा था, 1.25 घंटा 45 मिनट। हाँ 45 मिनट हम पूरा रोड फोन रिकॉर्ड कर गया था, जहाँ जहाँ अच्छा प्लेस था वहीं रिकॉर्ड कर गया था, वो 1.5 घंटे का वीडियो हम सब बना दिए थे।
सही ना हो, अब देखो चेहरा दिखाए चाहे। हाँ ठीक बट चेहरा ना दिखाए चले, पिछुओं दिखाए चाहे। कम से कम 12 घंटा कैपेसिटी रहे समझ में। अरे तो मैं 1000 एमएच की बैटरी है, 12 घंटा कहाँ कैपेसिटी रहे। आपको दो दो तीन तीन बैटरी लग रखा ही पड़ा था, हम खुद ही पास तीन रखे ही। मतलब बैटरी ही रखे है ना। चले चलो चाय हो। सभा लोग यहाँ पे हो गए अपनी बात और हो गया ये करके, तो कैमरा देखने के बाद सब पूछने लगते हैं, भैया आप टूर पे जा रहे हैं क्या? तो हम लोग टूर पे जा रहे हैं। तो भाई लोग मोबाइल देख सॉरी घड़ी उसको देख के हो गया, अब हम फटाफट निकलते हैं। तो सीधा अब आपसे मिलते हैं बदलापुर से हाईवे पर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बार बार मज़ा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो बने रहें और इन्जॉय करते रहें। सो भाई लोग हम बदलापुर पहुंच गए अभी, अब यहाँ से लेंगे राइट टूवर्ड्स जौनपुर। उतना तो आपको हम हमेशा बताते रहते हैं, क्या करें अंदर से चलें फटाफट बाहर निकल जाएं, क्योंकि अपना इंट्री पल्सरी। तो यहीं से हम अंदर ले लेते हैं, अंदर से अंदर अंदर फटाफट निकल जाएंगे, लेट करके कुछ होगा नहीं। तो वहाँ चौराहे पे जाना, फिर चौराहे से घूमना, बहुत हैक्टिक हो जाएगा। यहाँ से फटाफट नहर पकड़ के निकल जाएंगे। हाँ यहाँ से फिर हम राइट लेंगे, ये नहर सीधा हमको हाईवे पे लेके जाएगी। देखो जैसे घूम रहे हैं भैया वैसे भी हम घूम जाएंगे। ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना। ओहो चचा कहाँ देखा था, भाई डिलीवरी हम ही कह दे थे कर आज लगाए कहने ससुर पतंग कहाँ देखते हैं। अब हाईवे को आप इंजॉय करें और बूम 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 बूम, अब इसकी स्पीड हम दिखाते हैं आपको। अब हम 5वीं पे हैं और ये देखें 80, 89, 95, 97 100। गाड़ी की आवाज देख रहे हैं कैसे हो रही है, क्या ही 190 क्रूज करते हैं। तो इस पर थोड़ा खलता नहीं है दिन, इस वजह से ये सब गाड़ियाँ बड़ी हैं ठीक है, बट इस पर ना ये बैक पेन का डर रहता है, देखा थोड़ा एग्रेसिव बैठना पड़ता है इस पर। और हमारी गाड़ियों में क्या है, हम एकदम कंफर्टेबली स्ट्रेट बैठते हैं, और इस पर कोई वाइजर नहीं है तो विंड ब्लास्ट इस पर ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से थोड़ा देखना पड़ता है। बाकी सब एकदम बढ़िया जा रहा है गोइंग टूवर्ड्स। अभी हम जाने वाले हैं एमपी, तो इस वजह से गाड़ियों की सभी मरम्मत हो रही है। अभी मैं भी अपनी गाड़ी को सर्विस कराया, उसका जैम वगैरह सब अच्छा बढ़िया क्लीन कर दिया। तो जल्द 13-14 तारीख तक हम जाने वाले हैं, अभी 2-3 जन हैं उनका कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, तो वो भी कन्फर्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे फटाफट। गाड़ी अभी 100 पे, और आवाज़ आपको मोटरबाइक मोड में कैसा आ रहा है ये तो ज़रूर बताइएगा आप, क्योंकि अभी इतनी स्पीड में कभी गाड़ी नहीं चलाया। फिर अपनी वाली एक बार 110 चलाया था, उसके बाद से नहीं चलाया। इसकी टॉप स्पीड निकाल दें, एक तो रोड साला सही नहीं है। चलो आगे निकालते हैं टॉप स्पीड अभी। सुभाष लोग अभी हम बक्सा डाक चुके हैं, यहाँ से मुश्किल से 12-15 किलोमीटर और रह गए हैं जौनपुर। फ्यूल अप कर लिया हमने, एक खाली है रोड, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। डेट तो बहुत जल्दी पहुंच जाती है, पर उसके ऊपर जाने में इसको लग जाते हैं 2-3। मेरे दिल की ये दुआ
रोड देखा था क्या बात कहा गाड़ी लगा इनका वो जीप वाला देखा कहाँ जाए कहाँ चले उनका कुछ कंफर्म ना आ गया। तो भाई लोग अभी हम लोग जौनपुर पहुंच गए हैं, बस अब यहाँ से डालना है कि वो शोरूम कहाँ है हमारा टायर का, वहाँ जाएंगे सर्विस सेंटर पे और दिखाएंगे टायर को और फिर फटाफट काम ख़त्म करेंगे क्लीन करके। ये भी अंदर वाले से जाएगा, ये बाहर बाहर जाएगा, तो देखते कहाँ जाते हैं हम। ये वाला सो भाई लोग सेट हो गया अपना लोकेशन, फटाफट पहुँचते हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग अंदर अंदर जा रहे हैं, गूगल माता लेके जा रही हैं हमें, देखो कहाँ निकालती हैं। अभी यहाँ से 2.2 किलोमीटर दिखा रहा है, सो फटाफट हो जाएगा। और ये तो ट्रैफिक है ना, कितना भी करें हम होगा तो वही जो ट्रैफिक चाहेगी। वाह चचा वाह, ओह माय गॉड, पुलिस अंकल जवान दबंग वाला चश्मा लगाए हैं। तो हम आ गए शाही किला पे, शाही किला पे नहीं शाही पुल पे, वहाँ सा दौना ब्रिज, ये शाही ब्रिज। ओह माय गॉड, यहाँ तो पूरा लाल लाल दिखा रहा है। सो हम लोग आ गए अभी शाही पुल पे, बहुत ही पुराना गोमती स्टेशन। ये रहे देखो सब नहा रहे हैं भी। तेरे बिना हो जीना ये दिन कभी ना आए यारा तेरिया। अब यहाँ से हमें लेना है राइट, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है यार, इतनी गर्मी में भी इतनी ट्रैफिक कैसे, आओ मेरी तरह और सब भी निकले होंगे काम करने। हाँ जो भी, और ये शाही किला बगल में हमारे। तो भाई लोग अभी का माहौल है 12:01 और आए तो थे एजेंसी पे, पर ये लोग बोल रहे हैं भैया हम टायर क्लेम नहीं करेंगे। इनका कहने का मतलब है कि आपको एक हफ्ते टायर यहाँ रखना पड़ेगा, उसके बाद ये बनारस जाएगा, वहाँ से बनारस से क्लेम होके आएगा, तब हम उसको बात जो करेंगे करेंगे, नहीं तो अगर आपका टायर क्लेम नहीं होगा तो फिलहाल बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अभी जाएंगे एजेंसी पे, उन्हीं से बात करेंगे, जो भी कहेंगे वो करेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं। बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, उसके क्रैक दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हैं टायर के क्रैक लगे हैं। बाकी ये रहा इनका, अब ये बनारस बोल रहे हैं तो देखते हैं जैसा भी रहेगा बनारस ही चले जाएंगे, वहीं देख सकते हैं फटाफट। तो बाकी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं। बंदा जहाँ पर चश्मा खरीदता है और हम खड़े होकर फोटो शूट कर रहे हैं, तो आपको फोटो अगर देखना तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @4005 वहाँ मिल जाएगा। बाकी ये रहा शाही किला और सॉरी शाही पुल, ये रहा कुछ यहाँ का नज़ारा और शाही किला वहाँ पर है, ये रहा शाही किला। अपन का जहाँ चश्मा खरीदा बाइक वहाँ खड़ी है, बाकी गर्मी है ठीक है लेकिन हवा चल रही है और देखो सब वहाँ पर नहा भी है, वहाँ पर देखो बच्चे नहा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, बढ़िया बना दे रहे हैं, गाड़ी चारा दिख रहा है, ये सब यहाँ पर काम खत्म कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बन रहा है और चश्मा उश्मा खरीद के हो रहा है। तो फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए और फिर से आपसे मतलब देखा है नहीं, पूछे देते हैं।
जिस साइज ले ले भाई सही है जो लगा ठीक लगा तुम्हें और कहाँ चले बाप कहाँ बड़ा हानी सिंह मॉडल है भैया 12 साल के लड़के को लगा रहे हैं भैया बार 25 साल का है बड़ा नहीं है सर चश्मा कोई अरे छोटा बड़ा मॉडल आता है पीआर का देख लड़के ले अच्छा पीआर का ना लेना होगा तो बता दो कॉलर भाई और कुछ स्टाल स्टाल लगा ले कर इसे दुकान खड़ा रहा छाता लिया ना छोटा हुआ है बच्चे बन आए कल एक कोनो कोनो निकल ज्यादा ना हमें लीला होगा तो निकल भाई करे जगहियां ज्यादा हां ऐसा तो दिखावा सबसे पर्सन के चश्मे का इसमें जो है कचरा नहीं जाएंगे कचरा वो इतने लेते जाओ काम होता तो लेते ही फैशन भी ना फैशन करे रहा था मेरी लग ना लगाई देखो साइड से पैर आइए पूरा आगे से भी फिटिंग रहेगा साइड से भी फिट रहेगा इसमें कचरा चला जी तब हमसे बताए अब कितने तेज आप बाइक चलाइए देखिए सर कितनों तेज बाइक चलाई इसमें कचरा नहीं जाएगा सबसे बेहतरीन चीज यही है जो आप लगा रहे हैं सब लड़के लगा ये चश्मा आइए जो है बड़ा पड़ेगा ये वाला कलर दे ब्लैक लो ब्लैक अच्छा पड़ेगा है ना 160 मॉडल 160 रुपये का है तब ना मिलता